इंसानों के लिए भले ही व्हीकल्स की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन जानवरों के लिए इसका कोई मोल नहीं है। गाड़ियां और नई तकनीक उनकी समझ से बाहर होती हैं। इसीलिए गुस्से में जब भी इनकी नजरें इंसानों द्वारा बनाई गई किसी तकनीक पर पड़ती है तो इनका सारा गुस्सा उसे ही झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अब इस हाथी को ही देखे जो अपनी सूंड से पूरी गाड़ी पलट देता है। इसी तरह शेर को देखे जो पीछे से लपक कर गाड़ी को पकड़ लेता है और उसे बाइट करने की कोशिश करता है। ये छोटी मोटी क्लिप्स तो कुछ भी नहीं है, आज हम आपको इनके अटैक की कुछ ऐसी भयानक घटनाएं दिखाने वाले हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। यकीन मानिए कि ये क्लिप्स आपको जानवरों के भयानक रूप से रूबरू कराएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सड़क के बीचों बीच भी ये ऐसा तमाशा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं जायंट एलिफेंट के गुस्सेल स्वभाव से, जहां वो एक गाड़ी को अपना दुश्मन समझ बैठा है। न जाने ये किस बात से इतना खफा है कि कार को अपनी सूंड से पलटने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि इसके जरा से धक्के से गाड़ी कैसे नीचे गिर जाती है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है। हाथी के डर से वो पहले ही भाग चुका है, तभी हाथी इतने आराम से गाड़ी को नीचे गिरा पाता है और किसी के चिल्लाने की भी आवाज नहीं है। सड़क पर खुलेआम हो रहे इस हमले से घबराए लोगों की आवाज आप सुन सकते हैं जो चिल्ला रहे हैं। मगर शुक्र है कि इस हमले में कोई भी हाथी की दहशत का शिकार नहीं होता, वरना लोग हाथी की जान के दुश्मन बन जाते। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां हाथी बेहद ही ज्यादा गुस्से में है। इसके गुस्से की असली वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये वीडियो भारत के दक्षिण क्षेत्र की है जहाँ लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं। लेकिन उनके जश्न को तांडव बनने में देर नहीं लगती जब गुस्से में हाथी तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये अपनी सूंड से मोटरसाइकिल को गिराता है और उसके बाद गाड़ी पर इसकी नजर आ जाती है। कार से 5 गुना ज्यादा वजन रखने वाला हाथी फुटबॉल की तरह गाड़ी को 2 से 3 बार पलटी कर देता है। इतने हमले के बाद भी गाड़ी सही सलामत बची रहती है, लेकिन जो असली वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें गाड़ी के तो पुर्जे खुल जाते हैं। इस क्लिप में सड़क पर खड़ी कार से हाथी को न जाने क्यों तकलीफ होने लगती है और वो बिना सोचे समझे इस पर हमला कर देता है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो इसे अपने पैर से रौंदने की कोशिश करता है और फिर उसके टायर पर चढ़ जाता है। लगता है आज हाथी का मूड बेहद खराब है। वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जंगल का बॉस वो है और यहाँ केवल उसकी चलती है। खैर, जो भी इसकी मंशा हो, लेकिन आज इस कार का भरता बनना पक्का है। आप देख सकते हैं कि हाथी कितने मजे से पहले इसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है, उसके बाद गाड़ी के ऊपर पैर रख कर उसे कुचलने की कोशिश करता है। दोस्तों, हाथी जब भी कभी अपने आपे से बाहर होते हैं तो वो अपने गुस्से में किसी से भी भिड़ जाते हैं। आक्रामक होकर ये अपने बारे में सोचने की बजाय अपने टारगेट को खत्म करने पर फोकस्ड हो जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां हाथी एक हेलीकॉप्टर पर गुस्सा जाहिर करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लगता है आज ये जीव भी हवा में उड़ना चाहता है और ऊपर से दुनिया के नजारे का मजा लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर हाथी से दूर होता है वो उसकी तरफ जाता है। ऊपर की ओर उड़ने से पहले ही वो उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और फिर पीछे हो जाता है। जरा सोचिए, आप मोटरसाइकिल या स्कूटर पर घूमने जाएं, पार्किंग में आप अपने व्हीकल को छोड़कर शॉपिंग करें और वापस आने पर पाएं कि हाथी बड़े मजे से उसे अपनी सूंड में दबाए हुए है। इस हरकत पर आपका गुस्सा होना तो लाजमी है, लेकिन एक हाथी के खिलाफ आप कर भी क्या सकते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां हाथी यही हरकत पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल के साथ करता है। बाकी गाड़ियों को छोड़कर न जाने क्यों वो केवल एक ही व्हीकल को अपना टारगेट बनाता है, जैसे कि इनकी कोई पिछले जन्म की दुश्मनी हो। ऐसे ही एक और क्लिप में हाथी सड़क पर आकर सामने खड़ी गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर लेटने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है वो बेहद थक चुका है, जंगल में आराम करने के बजाय वो गाड़ी को चुनता है। खैर, आगे बढ़ते हुए चलिए अब दूसरे जानवरों का रुख करते हैं। अगर आपको लगता है कि केवल हाथी ही इस तरह गाड़ियों पर अपना एग्रेशन दिखाते हैं तो क्रोकोडाइल आपको हैरान कर सकते हैं। ये वीडियो हमें क्रोकोडाइल के एग्रेशन का दूसरा ही लेवल दिखाती है, जहां वो गाड़ी के बम्पर को ही अपना शिकार समझकर बाइट करने के लिए आगे आता है और आखिर में दमदार हमला चढ़ देता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का आगे वाला भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अपने नुकीले दांत से बम्पर निकालने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये खाने की चीज नहीं है। दोस्तों, कभी कभार जानवर को खाना खिलाना भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो इससे आपके पीछे पड़ जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है जहां 2 कपल्स पहले इस शिप को फीड करते हैं और उसके बाद जैसे ही मोटर बाइक पर बैठ कर वापस जाने लगते हैं तभी शिप हाइपर एक्टिव होकर उनकी तरफ आगे आती है और बाइक पर जोरदार टक्कर मार देती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जब समय खराब हो तो अच्छाई के बदले भी बुराई ही मिलती है।
एंग्री राम्स का गुस्सा तो हम सभी जानते ही हैं। ये जीव कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और छोटी सी बात पर उत्तेजक होकर हमला कर बैठते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां राम्स का झुंड सड़क पर खुला घूम रहा है। अचानक इसमें से एक राम को खुराफात सूझती है और वो अपने साथी से लड़ना शुरू कर देती है। पहला हमला करने के बाद वो पीछे जाती है और दोबारा उसकी तरफ बढ़ती है। तब तक बीच में गाड़ी आ जाती है और गाड़ी पर जबरदस्त वार कर बैठती है, जिससे उसकी हेडलाइट्स तहस नहस हो जाती है। मंकी, बंदरों की शरारत अक्सर इंसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहां उन्होंने लोगों के लगेज को अपना बना लिया है। हालांकि इनके लिए कपड़े का कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये नजारा हमें सरोजनी मार्केट की याद दिलाता है, सरोजनी नगर दिल्ली वाला। यहाँ बंदर लगेज पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कि अंदर कुबेर का खजाना छिपा हो। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां बंदर मिनी बस को टारगेट बनाते हैं। हालांकि ये गाड़ी किसी ओनर की नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैसे इस पर चढ़ जाते हैं और टूरिस्ट के सामान से छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। डियर, हिरण जंगल में छिपकर जरूर रहते हैं, लेकिन इन्हें कमजोर समझने की गलती करना बेवकूफी है। इनके बड़े बड़े सिंग किसी भी गाड़ी के छक्के छुड़ा सकते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां डियर अपने हॉर्न्स की ताकत से ये साबित कर देता है कि वो कितना शक्तिशाली है और उसकी टेरिटरी में रुकने की इजाजत किसी को नहीं है। हिप्पोज एनिमल किंगडम के वो जानवर हैं जो अपनी भारी भरकम शरीर का इस्तेमाल हमेशा दूसरे ही जानवरों को भगाने के लिए करते हैं। इन्हें अपने इलाके में कोई पसंद नहीं होता, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ हिप्पो जंगल में घूमते हुए आई टूरिस्ट की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगले वीडियो में शेरनी ने हिप्पोज पर हमला किया है, लेकिन खुद को बचाने की बजाय वो गाड़ी को बाइट करने में व्यस्त हो जाता है। बुल्स, एक बुल चाहे तो ट्रक से भी भिड़ सकता है, फिर गाड़ी क्या चीज है? क्या आपने कभी किसी बुल को पूरी ताकत से गाड़ियों को तोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये क्लिप आपके लिए है, जहां ये अपने सींग से पहले कार को ऊपर उठाता है और उसे पलटने की कोशिश करता है। दोस्तों, समझ में नहीं आता कि बुल्स को गाड़ियों से इतनी नफरत क्यों होती है। इस क्लिप में गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस बुल ने व्हीकल के टायर से दुश्मनी कर ली है। वो अपने सींग टायर में फंसा कर कार को पलटने की कोशिश करता है। पहली बार में नाकामयाब होने के बाद उसका हमला रुकता नहीं है, वो इसी स्पीड से गाड़ी का अगला हिस्सा तोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि शायद टायर के पास से पेट्रोल भी नीचे बहने लगता है और लोगों का शोर बता सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है। दोस्तों, गाड़ियों पर हमला करने में भैंस भी पीछे नहीं रहती है। आप इस क्लिप में देखिए, भैंस कितने गुस्से से सड़क पर चल रही गाड़ी की तरफ दौड़ी चली आती है और फिर उस पर अपने सींग से मार देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये गाड़ी चल रही है और उसमें लोग भी बैठे हुए हैं। शुक्र है कि उन्हें कोई चोट नहीं आती। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां भैंस आगे से गाड़ी के बम्पर पर सींग मारने की कोशिश करता है और ड्राइवर खुद को सेव करने के लिए कार बैक करना शुरू कर देता है। राइनोसोरस, ये क्लिप बताती है कि राइनोसोरस कैसे गाड़ियों से फुटबॉल खेलता है। केवल एक ही सींग से वो इसे तब तक पलटता है जब तक कि वो पूरी तरह तबाह नहीं हो जाती। खैर, ये अकेली वीडियो नहीं है, बल्कि राइनोस को अक्सर गाड़ियों पर अटैक करते हुए देखा जाता है। अगले क्लिप में वो अपने सींग से कार में होल कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखे, जहां राइनो सड़क पर ऐसे भाग रहा है जैसे कि उसके सर पर खून सवार है और आज वो रास्ते में मिलने वाली हर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला है। सामने से आने वाली गाड़ी पर वो चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपना मन बदल देता है। हॉर्स, सड़क पर दौड़ते हुए ये घोड़ा अब वो कमाल दिखाने वाला है जो शायद ही आपने देखा हो। ये सामने से आती गाड़ी से टकरा जाता है और कार का हुलिया बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो, जहां जानवर अपनी ताकत गाड़ियों पर आजमाते हैं। ऐसा लगता है एनिमल किंगडम को गाड़ियों से कोई खास दुश्मनी है जो हमारी समझ से परे है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक दुश्मनी कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।